तीन हजार से चार हजार करोड़ रुपए का घोटाला है दोनों बेल पे बाहर है अक्यूज नंबर वन और अक्यूज नंबर टू सोनिया जी अक्यूज नंबर वन है और राहुल जी अक्यूज नंबर टू है चार हजार करोड़ की लूट ये सिद्धरमैया जी ने किया है उनके परिवार ने किया है आपने चंद दिनों पहले सदन का दृश्य देखा था बजट सेशन में उससे पहले ओथ टेकिंग भी देखी थी आपने संविधान के प्रति अपने हाथों में लेकर ऑपोजिशन के लीडर्स ने खास करके कांग्रेस टीएमसी इत्यादि के सदस्यों ने संविधान का शपथ लिया था और किस प्रकार का हो हल्ला किया था थोड़ी देर पहले और कल से ही मैं कहूंगा कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंगाल को लेकर हुआ है किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है इन इंडी अलायंस के सरकारों द्वारा उनके नेताओं द्वारा यह आप देख रहे हैं बंगाल में भी और कर्नाटक में भी हम आज कर्नाटक के विषय को यहां उजागर करने के लिए बैठे हैं आप सबने खबर दी कुछ देर पहले कि कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल ने द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत जी ने अभी चंद घंटों पहले कर्नाटक के वर्तमान के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी के खिलाफ केस चले उनको प्रोसिक्यूट किया जाए इसकी परमिशन उन्होंने ग्रांट किया है आप सबको पता है इसके पीछे की पटकथा क्या है कुछ दिनों पहले मुदा लैंड स्कैम मुदा मतलब मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट का ये जो अथॉरिटी है ये जो पूरा मैसूरू में लैंड अलॉटमेंट देखती है उसकी डेवलपमेंट को देखती है उसमें किस प्रकार लैंड अलॉटमेंट में घोटाला हुआ है यह उजागर हुआ था उसको लेकर कुछ सिविक सोसाइटी के लोगों ने जो हमारे सिविल सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें से कुछ टीजे अब्राहम प्रदीप जी स्नेहमई कृष्णा इन लोगों ने कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी को एक पटीशन दिया था और पिटिशन में दे हैड डिमांडेड परमिशन शुड बी ग्रांटेड फॉर प्रोसिक्यूटिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका और आज आपने देखा है कि गवर्नर ने पहले तो राज्य सरकार से पूछा था जवाब और जवाब में राज्य सरकार ने जो सफाई दी थी उस सफाई को दरकिनार करते हुए क्योंकि उस सफाई में तथ्य नहीं प्राप्त हुए थे उस सफाई को दरकिनार करते हुए आज गवर्नर साहब ने सिद्धरमैया जी के ऊपर केस चले सिद्धरमैया जी के परिवार ने सिद्दरमैया जी ने लैंड अलॉटमेंट केस में घोटाला किया है यह स्पष्ट होता है और इस पर केस चले इसकी अनुमति प्रदान की है आखिरकार यह केस है क्या यह मुदा लैंड अलॉटमेंट फ्रोडुलेंट केस ये क्या है आप देखिए मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इन्होंने एक नियम बना रखा है कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई लैंड एक्वायर करती है वो लेआउट के लिए कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए तो उसके बदले 50-50 परसेंट -50 एक स्कीम उन्होंने खोला है अर्थात अगर लैंड ग्रामीण क्षेत्र का उन्होंने लिया है तो उसके एवज में जो कंपेंसेशन दिया जाएगा वो शहरी क्षेत्र में जिसको अंग्रेजी में आप अप मार्केट एरिया कहते हैं जहां ज्यादा लाभ होने की संभावना है जो डेवलप्ड एरिया है उस अप मार्केट एरिया में आपको 50 प्रतिशत जमीन दिया जाएगा ताकि आप कंपेंसेट हो सको अपने ग्रामीण क्षेत्र के जमीन के देखिए 2004 में सिद्दरमैया जी की धर्मपत्नी पार्वती जी उनके भाई ने लगभग तीन दशमलव एक एकड़ जमीन केशरी नामक के गांव है मैसूरू में वहां उन्होंने खरीदा था 2005 में इसकी जो मालकिन वो पार्वती जी बनी थी जो धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की बाद में खैर ये मालूम पड़ा कि ये लैंड ट्रांसफर डील हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये दलित की भूमि थी और हाल फिलहाल में ये पूरा केस उजागर इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति की ये तीन एकड़ जमीन थी उस व्यक्ति ने इसे रिक्लेम किया मुदा से कि मुझे ये जमीन वापस दिया जाए मुझे ये जमीन नहीं बेचना था फ्रॉडुलेंट तरीके से मुझसे ये जमीन लिया गया है और उस समय जब पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि मुदा ने ऑलरेडी पार्वती जी को जो कि धर्मपत्नी हैं है सीधर जी की उनको चौदह प्लॉट अप मार्केट एरिया मैसूरू में दिया जा चुका है जो कि लगभग ये पूरा का पूरा जो स्कैम है उसमें स्पष्ट है कि जितने का कॉम्पेंसेशन होना चाहिए था उससे कई गुना अधिक अप मार्केट एरिया में चौदह लैंड अलॉटमेंट हुए हैं और लगभग इसका आकलन जो वर्तमान में मीडिया और जो वहां के जानने वाले लोग हैं उन्होंने किया है द होल करप्शन इनफैक्ट गोज अप टू अबाउट थ्री थाउजेंड टू फोर थाउजेंड करोड़ रुपीज ये तीन हजार से चार हजार करोड़ रुपए का घोटाला है आप सोच के देखिए इनका कोई पचास करोड़ सौ करोड़ का घोटाला होता नहीं है उतनी की तो ये कॉफी पी जाते हैं इनका घोटाला सब कुछ चार हजार पांच हजार करोड़ का ही होता है एंड दे ऑल फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ द गांधी फैमिली ये नेशनल हेराल्ड केस जो था जिसमें भी ये जमीन गबन घोटाला जमीन हड़प लेना यह अभी पांच हजार करोड़ का केस था जिसमें मां बेटे बेल पे बाहर है बेल पे बाहर है ना दोनों बेल पे बाहर है अक्यूज नंबर वन और अक्यूज नंबर टू जी अक्यूज नंबर वन है और राहुल जी अक्यूज नंबर टू है उसमें पांच हजार करोड़ का यह घोटाला था और अभी ये जो घोटाला हुआ है यह चार हजार करोड़ का घोटाला है आप सोच के देखिए तू डाल डाल में पात पात मतलब इनके बड़े नेता पांच हजार करोड़ तो छोटे नेता बोल रहे अरे अच्छा अच्छा हम भी कंपटीशन में छोड़ेंगे नहीं हम भी पांच हजार करोड़ करके दिखाएंगे तो चार हजार करोड़ की लूट सिद्धरमैया जी ने किया है उनके परिवार ने किया है और आज ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का विषय नहीं है मैं एक साधारण नागरिक के रूप में धन्यवाद देता हूं पहले गवर्नर इस प्रकार के केसेस पे बैठ जाते थे पहले इस प्रकार के केसेस पे पॉलिटिकल कंपलशन कोर्ट एन कोट इफ यू वुड रिमेंबर मनमोहन सिंह जी देर वॉज अ टर्म इन दोज डेज ऑफ यूपीए पॉलिटिकल कंपल्शन पॉलिटिकल कंपल्शन होता था कि इस पे सैंक्शन नहीं देना है आज मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रणाली को इस प्रक्रिया को कि जिसने घोटाला किया है उसे आज प्रोसिक्यूट किया जाएगा उसके खिलाफ आज केस चलेगा और केवल यही नहीं आप सबने देखा होगा वैसे तो यह केस मुदा घोटाले पर है लैंड अलॉटमेंट पर है बाकी विषय जो घोटाले के कर्नाटक पर हैं, उस पर भी अभी तेजस्वी जी आपकी नजर आकर्षित करेंगे मगर जो महर्षि वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम एसटी समाज के लिए था जो पैसा वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे एसटी समाज के डेवलपमेंट लिए रखा गया था उससे लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई थी लेम्बोर्गनी गाड़ी आप सोच के देखिए और सिद्धरमैया साहब ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली ही अग्रीड द ट्वेल्व यस इतना बड़ा नहीं थोड़ा सा और कम कर दीजिए वो तो ट्रांसफर हुआ है पैसा आप सोच के देखिए इस निर्लजता के साथ कर्नाटक में घोटाला हुआ है और आज पूरी देश इस बात का गवाह देगा कि हां मोदी जी के इस राज में जो भ्रष्ट होते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाता है और अभी मैं टीवी में देख रहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो बेंगलुरु पहुंचे हैं और वहां नारे लग रहे हैं गवर्नर हाय हाय के नारे लग रहे हैं मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहूंगा वैसे आप देख सकते हैं मैं काला बैंड भी पहन के आया हूं क्योंकि मैं डॉक्टर फेटर्निटी का हूं और आज देश के तमाम डॉक्टर्स काला बैंड पहने हुए हैं मैंने भी काला बैंड पहना हुआ है तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछूंगा घोटालेबाजों को बचाने के लिए तो आप बेंगलुरु चले गए मगर कलकत्ता जाएंगे क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं प्रियंका वाड्रा ने कहा था राहुल जी और प्रियंका जी कलकत्ता जाएंगे क्या या घोटालेबाज सिद्दरामैया जी को बचाने के लिए आप सब बेंगलुरु जाएंगे एबीपी गंगा खबर आपकी जुबा आपकी